ये देखो भाई बिल्कुल सामने, वही 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 वही, वो देखो फिर से वही, मैं बता ये रूम में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द डेविल स्पिरिट की नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं आपका भाई निखिल। दोस्तों आज की जो लोकेशन पे मैं विजिट करने के लिए आया हूं, ये मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन और मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक है दोस्तों, ये है गर्ल्स हॉस्टल की लोकेशन। सबसे पहले दोस्तों जिसकी यहाँ की स्टोरी नहीं पता, जिसने हमारे पहले पार्ट यहाँ के नहीं देखे, उनको मैं सबसे पहले यहाँ की स्टोरी बताता हूँ, यहाँ की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों ये एक गर्ल्स हॉस्टल की स्टोरी है, एक लड़की की स्टोरी है। यहाँ पे किसी टाइम पे यहाँ पे एक लड़की थी जो कि बहुत गरीब घर से थी, पर वो उसकी इंटरेस्ट था पढ़ने में बहुत ज़्यादा, वो पढ़ना चाहती थी। उसके जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो अपनी मम्मी और अपने मामा के साथ रहती थी। किसी टाइम पर दोस्तों उसके मामा और मम्मी ने उसका रिश्ता पक्का करने की सोची थी एक अपाहिज बंदे से। कई कहते हैं कि वो अपाहिज था, कई कहते हैं कि वो नशेड़ी था, बहुत ज़्यादा नशे करता था दोस्तों। पर वो था अमीर लड़का, उसको मतलब शादी नहीं होती थी उसकी अपाहिज करके या नशेड़ी करके। तो उसने इसके घर वाले, लड़की के घर वालों को पैसे दिए थे कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। पर उस बेटी को जब पता चला, उनकी बेटी को जब पता चला कि ऐसा ऐसा मेरे रिश्ता करवा रहे ज़बरदस्ती, उसने पहले मना किया कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। पर उसके जो मामा थे उन्होंने पैसे ले लिए थे उस बंदे से, पर वो ज़बरदस्ती उससे शादी करने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। तो दोस्तों किसी टाइम पर ऐसा आया था कि उस लड़की को पता लग गया था कि हाँ भी मेरे घर वाले मेरी शादी उससे करवा के रहेंगे। तो उसी हॉस्टल में इसी अपने रूम पर लड़की ने सुसाइड कर लिया था किसी तरह करके। तब से लेके दोस्तों कहते हैं कि अब तक ये पूरा का पूरा हॉस्टल है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। हमने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे पार्ट शूट करे दोस्तों, आप देख लेना, आपको कमेंट बॉक्स में उसके सबके लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपके तक आती रहे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं दोस्तों बैक कैमरा ऑन करता हूँ, मिलते हैं आपको लोकेशन पर। तो ये आ गया मैं लोकेशन पर, ये रास्ता देख लो कैसा है। और दोस्तों एक बात और, मैं अभी थोड़ी लाइट नीचे ही रखूँगा, ऊपर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ से लोग आ जा रहे हैं, थोड़े रोड पे से गाड़ियाँ चल रही है। और ये दोस्तों कोई आवाज़ आ रही है गाने की, कहीं आसपास में कोई जागरण वगैरह का फंक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। तो दोस्तों अभी मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको पूरी लोकेशन। यहाँ से रास्ता है इसका, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इसकी। ये देखो पैर रखने तक की जगह नहीं है यहाँ पे, पैर रखने तक की। देखो झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखो ये है पूरी बालकनी हॉस्टल की, और इसकी छत पे देखो कैसे एकदम से वो क्या कहते हैं इसको, उल्ली लग गई है, पूरी हरियाली हो गई है। और थोड़ा आगे चलता हूँ दोस्तों, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड। भैया किसकी आवाज़ आ रही है, भैया एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, आवाज़ आई है चीख की, किसी की लड़की की आवाज़ आई है। अगर आई है तो आप कमेंट करके बताना। ये एक वॉशरूम है, इसकी हालत देख लो, पहले सरिये निकल गए हैं पूरे, अभी भी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से। अभी आगे चल के देखता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये वॉशरूम है दोस्तों हॉस्टल का, तो शायद दिन में यहाँ नशेड़ी वगैरह भी आते होंगे। इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आती है दोस्तों इस लोकेशन की, तभी मुझे यहाँ पे बार बार आना पड़ता है। और एक रूम ही है दोस्तों, इसकी हालत भी देख लो ऊपर से। कौन है? और एक रूम ही है दोस्तों, इसकी हालत भी देख लो ऊपर से। कौन है? देखो भाई दीवार, एक मिनट मैं टॉर्च को सेट करूँ पर। हाँ इसकी, ओए कौन है भाई, एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आई है यार यहाँ से।
कोई आया यहाँ पर? भैया आवाज आई है एक बड़ी अजीब सी आवाज। भैया मैं ये रूम में इधर कुछ चीज आई है यार। भाई एक वाइट शैडो रिकॉर्ड हुई है कैमरे में, बिल्कुल साफ साफ भाई कसम से कह रहा हूँ, बिल्कुल सामने से एक लड़की निकली है इसी कमरे में, या तो इस कमरे में आई है या तो इधर कहीं आई है। ये देख लो भाई, इधर रास्ता नहीं है कोई। वाइट वाइट चीज आई है भाई, कोई लड़की रिकॉर्ड हुई है कैमरे में बिल्कुल साफ साफ। अभी मैं जस्ट अंदर आएंगे दोस्तों लोकेशन के, बिल्कुल साफ चीज रिकॉर्ड हुई है कैमरे में। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर जो अभी कैमरे में चीज रिकॉर्ड हुई है? मेरे सामने से जो एक लड़की निकली है, क्या वो आप हो? मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आपने आते ही मुझे अपने होने का एहसास करा दिया यहाँ पर। भाई आवाज़ आई, आवाज़ आई, आवाज़ आई, आवाज़। भाई पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है एक बड़ी अजीब सी। ओ भाई यार, हाँ भाई यहीं से इधर ही कोई चीज़ आई है यार। चलो आगे चलता हूँ थोड़ा सा। भाई 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 कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ है सामने, कुछ चीज़ है, वो देखो देखो देखो। भाई इस बाथरूम की तरफ कुछ चीज़ आई है यार, कैमरे में बहुत ही कम कैप्चर हुई चीज़ पर मैंने अपनी आंखों से चीज़ को रिकॉर्ड किया है। मेरी आंखों में मैंने साफ साफ देखा है, फिर से वही वाइट कपड़ों में लड़की कैप्चर हुई है यहाँ पर। देखिए मैं आपकी जगह कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हूँ, चला जाऊँगा, मेरा वादा है आपसे। आप बिना नुकसान पहुँचाए मेरे सामने अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, आपसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भैया दीवार देखो कैसी बिल्कुल ग्रीन पड़ गई है, हरी, जिसे हरा नहीं बोलते, जैसे ये देखो ऊपर दलदल दलदल, हाँ दलदल बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। वही 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 भाई वो देखो फिर से यहाँ पे चीज़ खड़ी थी भाई, कसम से कह रहा हूँ, मुझे कसम से लगे भाई, कसम लगे मुझे यहाँ पे चीज़ खड़ी थी यहाँ पर अंदर की ये चीज़। कौन है यहाँ पर? भाई कुत्ता मूंगने लग गया यार। कौन है अंदर? भाई आवाज़ आई है अंदर से, बड़ी खतरनाक आवाज़ आई है। कौन है अंदर? ओ यार, ओ भाई 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 अंदर, भाई 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 कौन है अंदर? इसकी कमरा है क्या भाई? इसके अंदर सारी आवाज, कौन है अंदर? यहां तो कोई नहीं है। भाई कोई चीज़ बिल्कुल साफ साफ कैप्चर हो रही है, एकदम चीज़ गायब हो रही है, कैप्चर हो रही है, आवाज़ आ रही है बिल्कुल क्लियर। पता नहीं कोई चीज़ कहाँ एकदम से कैप्चर होके गायब हो जा रही है। कौन है यहाँ पर? देखिए मैं आपके जगह कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए यहाँ पर आया था, आप अगर मेरे सामने आना चाहते हो बिना नुकसान पहुंचाए आप मेरे सामने आ जाओ,
मैं आपको सिर्फ देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, ये क्या था? ओ भाई यार, हे भगवान भाई, बिल्कुल चीज साफ साफ कैप्चर हुई यार, मेरी तरफ चीज भाग गई है। देखिए आप मुझ पे अटैक मत करो भाई यार। कहाँ गई यार कोई चीज? फिर से बिल्कुल साफ साफ चीज रिकॉर्ड हुई है। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हूँ, अभी चला जाऊँगा। भाई कौन है? मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हूँ, अभी चला जाऊँगा। मैं आपसे कुछ बातचीत करने आया था, क्या आप यहाँ पर खुश हो, यहीं रहना चाहते हो? भाई थोड़ा सवाल करता हूँ, एक रिप्लाई तो आया, जैसे मैंने सवाल पूछा दोबारा पूछता हूँ, क्या आप इसी जगह पे रहना चाहते हो, आप यहाँ पर खुश हो? अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो, यहाँ पर खुश हो, तो मुझे किसी भी तरह कोई भी रिप्लाई दे के, कोई भी आवाज़ करके मुझे बता सकते हो आप, जिससे मुझे इसका जवाब मिल सके। वो देखो भाई, वो देखो, ये पेड़ हिल रहा है अपने आप सामने, बिल्कुल अभी भी हिल रहा है, आवाज़ भी है यहाँ से। क्या आप खुश हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ दोबारा से? ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आसपास पूरा अंधेरा है दोस्तों, टॉर्च की लाइट भी नहीं जा रही वहां तक। भाई जवाब मिल रहे हैं यार। देखिए मुझे पता आपके साथ बहुत बुरा हुआ था यहाँ पर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आया था। भाई आवाज आ रही यार। ओ, ओ, ओ भाई सामने कुछ चीजा, सामने कुछ चीजा भाई, भाई वो देखो कुछ चीज थी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीज खड़ी थी यार। भाई यार ये कपड़ा हुआ भाई, यहाँ पे मेरे को लगता है दिन में स्नैचर वगैरह आते होंगे, नशेड़ी वगैरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई, पहले यहाँ जब मैं आया था ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल सामने, ये मेरे पैर हैं, अब यहाँ से बात यही है। ये देखो किसके चलने की बात आ रही है, मैं एक ही जगह पर खड़ा हूँ, ये बिल्कुल सामने से लकड़ उड़ गई है, लकड़ी यहाँ खड़ी हुई थी मेरे ख्याल से, पता नहीं कहाँ पड़ी थी, कैमरा बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हुआ होगा दोस्तों, ये अपने आप लकड़ी गिरी है मेरे ऊपर, लगातार एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। भाई ऐसा लगा कोई यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ से दरवाजे की तरफ से कोई निकला बड़ी थी स्पीड में, जैसे पहले कोई चीज़ कैप्चर हुई थी ना वाइट कपड़ों में। देखिए मैं अभी के अभी यहाँ चल जाऊँगा, मुझे आप किसी भी तरह, ये देखो भाई दीवार देखो, किसी भी तरह कोई भी इशारा करके मुझे बता सकते हो आप कि यहाँ पे मैं रुकूँ थोड़ी देर और आपसे बातचीत करूँ? भाई कोई नहीं है यहाँ पे यार, देखो भाई यार, भाई डर लग रहा है मुझे अब यहाँ पर। ओ भाई यार फिर से यहाँ पे कुछ गिरी थी भाई, इस कमरे में 2 से 3 बार चीज रिकॉर्ड हुई है, वो फोकस आउट हो रहा है। अब यहाँ पे एक बार फिर से जाके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो कोई नहीं है। ओ, 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 कौन है भाई? किसी ने पकड़ खींचा मुझे पीछे, वो देखो
आवाज़ आ रही है बाहर से। भाई बहुत ही खतरनाक लोकेशन है यार। जितनी बार मैं यहाँ पे आया हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की है। भाई 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 सामने कोई चीज़ है यार, भाई सामने कोई चीज़ है इसमें। वो देखो सामने कोई चीज़ है इसमें, बहुत कम दिखाई दे रहा है कैमरे में। कौन है भाई? फिर से वहाँ सामने कोई चीज़ थी वाइट। भाई देखो यहाँ पे कोई नहीं है। अभी कुछ चीज़ सामने कैप्चर हुई थी। सर उससे एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ लोकेशन से बाहर यहाँ से, क्योंकि दो से तीन बार चीज़ मैंने कैप्चर कर ली है। देखिए मुझे एक बार आप कोई भी इशारा करके बता दो मुझे, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर आप मुझे कोई भी वही देखो यहाँ से कोई चीज़ गिरी ऊपर से छत पे से शायद। आप मुझे कोई एक बार, लास्ट बार पूछूंगा आपसे मैं, कोई भी एक इशारा करके बता दो, कोई एक्टिविटी, कोई आवाज़ करके, कुछ भी करके, या मेरे सामने आके किसी भी तरह। फिर से कोई ऊपर से चीज़ गिरी है भाई, यहाँ से आवाज़ आई है बिल्कुल साफ। तो दोस्तों ठीक है, मुझे इशारा यहाँ से मिल गया जाने का, तो मैं यहाँ चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ दोस्तों लोकेशन छोड़ के बाहर। वही आवाज़ आ रही पीछे से यार। भाई कुछ नहीं बचा।